अब कहाँ जाएंगे तसव्वुर? पता नहीं, चांद नगर हमारे लिए हमेशा खत्म हो गया। एक ना एक दिन तो होना ही था ना काम। हमने जो किया वो ठीक किया क्या? हाँ ठीक किया शायद। शायद हाँ शायद। भाई साहब, मुझे पता है कि आप यहीं पे मौजूद हैं। आपने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है, मगर अब आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप इस घर में भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। बख्तू, तू हमारी बिरादरी का है, तुम्हारा बाप हमारे साथ पढ़ा करता था। हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरे खिलाफ ही हो गया। खजलबाज साहब, मुझे पता है कि आप यहीं पर मौजूद हैं। मैं आपको सुन नहीं सकता हूं, देख नहीं सकता हूं, मगर आपकी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है आप अभी यही सोच रहे हैं ना कि मैं आपकी बिरादरी का हूं। मेरा बाप आपका हम जमात था, आपके हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। आरामखोर सब कुछ जानता है तो फिर क्यों डरा रहा है? तेरे आने से हमारी तबीयत खराब हो रही है। खजलबाज साहब, एक बात आप मेरी याद रखिएगा, मैं यहां पे इसलिए नहीं रह रहा हूं कि मैं आपका रिश्तेदार हूं। मैं यहां पर बीबी साहब की वजह से रह रहा हूं क्योंकि वो एक अजीम खातून है। वो तो उनका नसीब टूटा हुआ था कि उनका आपके साथ निकाह हो गया। मैं सब जानता हूं आपने अपनी जिंदगी में उनको कितना परेशान किया है, अपनी आना की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, और अब मरने के बाद भी आप उनको तंग कर रहे हैं। उनका जीना आराम करके रखा हुआ है आपने। भूत बनकर आप उन पर हुकुम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए खजलबाज साहब। बीबी साहब की जान छोड़ दो। तुम खुफिया पुलिस नहीं हो? नहीं। तुम मामू और इंस्पेक्टर अयाज मिलके किसी मिशन में काम नहीं कर रहे? नहीं। मुझे कोई खतरा नहीं? नहीं। तो रोबोट का भेस बदल के यहाँ क्यों आई? क्या मतलब? हमें नहीं बनाओ, हमें बिल्कुल ना बनाओ। देखो ये फिल्मों में होता है कि चोट लगी और याददाश्त वापस आ गई। हमें बस ये बताओ कि तुम वेसी से एसी कैसे हो गई? हाँ, कैसी एसी? जब मैं हवा हुआ था तो तुम रोबोट थी, जब मैं वापस आया तो जख्मी हीरोइन। एक सच बताऊं, रोबोट पे ना पहले दिन से शक था मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे ख्वाबों में कोई और शिदा आती थी। मैं तुम्हारे ख्वाबों में आती थी? नहीं, तुम नहीं, तुम जैसी कोई। क्यों, वो मैं क्यों नहीं हो सकती? एग्जैक्टली, तो या तो वो सच है या रोबोट। तुमने कभी गौर से अपने आसपास लोगों को देखा है?
कितने गौर से? जब गौर से देखोगे तो समझ जाओगे और रोबोट क्या होता है। रोबोट जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती और वो दूसरों के इशारों पे चलता है। तो अब मुझे तुम ही बताओ तैमूर, तुमने कितने लोगों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीते देखा है? पूरी जिंदगी लगा देते हैं लोग दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, उनके मयार पे पूरा उतरने के चक्कर में उनके दिल में क्या है, वो कौन है, ये जानने की कोशिश भी नहीं करते। बस दो चार डब्बे हैं उसमें 7 अरब लोग फिट होना चाहते हैं। तो जो ये भी नहीं सोच रहे तैमूर कि 2 आंखें 1 नाक 1 मुंह के बावजूद बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लों वाले अरबों लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो वो क्या हुए? रोबोट बीबी साहब, ये तसव्वुर और कायनात वापस आ गए। मैंने खानम को सब कुछ बता दिया, फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस उठकर चली गई। बहुत हर्ट लग रही थी। मेरे बारे में कुछ बताया उन्हें? हाँ सब बता दिया। हाँ? पागल हो क्या? नहीं बताया मैंने। तानी, मैं ना चांद नगर से चली गई थी, लेकिन जब थोड़ा दूर गई तो पता चला कि मैं तो चांद नगर से निकल आई हूं, पर चांद नगर मुझसे नहीं निकला। तानी, खानम में ना कुछ है, कुछ बहुत खास है। पता नहीं क्यों मगर ऐसा लगता है जैसे वो ना हमें सब कुछ समेट के दे देंगी जो हमसे बिखर गया है। ऐसे ही है कायनात, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने गड़बड़ कर दिया है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज तो हमसे मांगी थी कि हम झूठ ना बोलें, और हम तो पहले दिन से धड़ाधड़ उनके मुंह पे झूठ बोलते रहे। हमारी वजह से अब वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी। तानी बीबी, कनात बीबी आपको बीबी साहब बुला रही हैं।